तो ये इनकी विधानसभा है मुख्यमंत्री जी की है, सीएम साहब की विधानसभा यही है, प्रधान जी हैं, ग्राम प्रधान। अच्छा आप प्रधान हैं, नमस्कार। क्या हो गया, बच्चे आते हैं इधर स्कूल में पढ़ाई होती है जी? सर 15 से 20 बच्चे। अच्छा 15 से 20 बच्चे, तो ज़्यादातर बच्चे फिर गांव के प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। प्राइवेट स्कूल कितने हैं? प्राइवेट स्कूल यहाँ पर 15-20 के लगभग, प्राइवेट 15-20 प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल बहुत हो गए, गवर्नमेंट स्कूल सब बंद बंद होते जा रहे हैं, ऐसे स्कूल रहेंगे तो कौन पढ़ाएगा? सर हमने तो कई बार दे चुके हैं, वैसे एक लेटर आ गया था शिक्षा विभाग से। अच्छा उसके लिए मरम्मत गया, उसके लिए अच्छा बंद कर दिया है। बंद कर दिया सारे ताले वाले बंद कर दिए। हाँ स्कूल तो बंद है। चलो कोई बात नहीं, आइडिया तो लग गया कि इनके मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में स्कूल देखने आ गए, देखो कैसी हालत है। चलिए स्कूल आपने देखने को बनाया था, स्कूल में आप हैं? मैं आज उत्तराखंड आया था और उत्तराखंड में ये देखने आया था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उनके मंत्री मदन कौशिक जी ने जो काम कराए हैं, स्कूलों पे जो काम हुए हैं उस पे, अस्पतालों पे जो काम हुए हैं, बिजली पानी पे जो काम हुए हैं उस पे कुछ बहस होगी, लेकिन बहस में तो वो मंत्री जी कह के पीछे हट गए। और अब जो मैं सोचा कि जाते जाते एक स्कूल भी देख लें, तो ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, यहाँ का ये स्कूल है सड़क के किनारे, इसलिए इसको मैं देखने आ गया। यहाँ मैं देख रहा हूँ स्कूल तो खैर जैसा है सो है ही है, इस गांव के बच्चों को मजबूरी में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ख़राब किए गए और फिर प्राइवेट स्कूल खोले गए, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है मोटी फीस देके। गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ये कर दी गई है कि कोई आदमी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता नहीं, फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे जी स्कूल ये बंद करना पड़ रहा है क्योंकि लोग आते नहीं इसमें पढ़ने, इसलिए इसको बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में हज़ारों स्कूल बंद किए हैं इन्होंने, हज़ारों स्कूल बंद करके छोड़ दिए ये कहते हुए कि साहब गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ने नहीं आता। अब मुझे बताइए अगर ऐसा स्कूल मुख्यमंत्री की विधानसभा में है, पूरे उत्तराखंड में तो जो उन्होंने किया होगा, अपनी विधानसभा के स्कूल को ठीक नहीं करवा पाए मुख्यमंत्री जी, यहाँ तो ऐसा कर देते कि प्राइवेट स्कूल से लोग निकाल के अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लाते। यहाँ तो जिसके बच्चे पढ़ रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे भी किसी से तरह से हमारा जुगाड़ लग जाए, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे। तो मुख्यमंत्री जी अपनी विधानसभा में तो कम से कम कुछ स्कूल कर देने चाहिए थे ठीक। बड़ा अफसोस है कि उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है त्रिवेंद्र रावत सरकार और उनके पेरेंट्स को मजबूर कर रही है कि वो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, जबकि टैक्स लेती है इन स्कूलों को ठीक कराने के लिए।